तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेक्टर एडिशन के बारे में कुछ कुछ पढ़ना शुरू कर दिया था। उसमें हम लोग क्या करेंगे, जस्ट क्या करें, एक्स कंपोनेंट सब निकालेंगे और सारे वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और फिर एक्स वाला एक्स के साथ, दैट इज आई कैप वाले के साथ, और जे कैप वाले के साथ। सिंपल सा फंडा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने जो दो क्वेश्चन किया था, वो दो क्वेश्चन में क्या था कि एक जो वेक्टर था वो पूरा का पूरा एक्स के तरफ था, और दूसरे वाले क्वेश्चन में एक पूरा का पूरा वाई के तरफ था, तो थोड़ा आसान था। अब हम लोग ऐसे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जहां पे दोनों ही ना तो एक्स के तरफ हो और ना वाई के तरफ हो। और कुछ मैं चूंकि ट्रिगोनोमेट्री के वैल्यूज की जरूरत पड़ती है, तो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हूँ, आप इसको कॉपी कर लें अगर आपको याद ना हो तो। टेन यहाँ से निकल जाएगा साइन और कॉस करके, और रेसिप्रोकल से निकल ही जाएंगे, साइन और कॉस अलग पता है तो, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने लिख दिया है। क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि F1 फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन है, जो एक्स एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है। एक पिछले वाले लेक्चर में कहीं पे मैंने 30 डिग्री लिख दिया था ना, वो देख लीजिएगा, अगर 30 डिग्री कहीं पे गलत लिख दिया था, 30 डिग्री और फिर शायद 37 डिग्री हो गया था, तो एक्स्ट्रा मैंने 30 डिग्री लिख दिया था, तो 2300 में आप देखिएगा, जब आप लेक्चर देखिएगा 2300 में या 2400 के आसपास, वहाँ पे आपको 30 डिग्री एक्स्ट्रा के नजर आएगा, तो गलत है शायद, वो देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, आप खुद भी देख सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 37 डिग्री। दूसरा फोर्स F2 है, ठीक है, और ये F2 10 न्यूटन है, 10√2 न्यूटन है, और ये एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री। ये रफ फिगर है, 37-45 ये कैसा लग रहा है, तो ये रफ फिगर पे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 10√2 और 5 भी सेम लग रहा है, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बन पा रहा है, मेरा फिगर खराब बनता है, इसलिए बोलता हूँ। देखिए 10√2 न्यूटन और इधर कितना, 5 न्यूटन, ठीक है। पहले F1 को हम लोग क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे, तो F1 को रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा बताइए, एक्स की तरफ वाई की तरफ दोनों पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, 5 cos 37° आई कैप प्लस 5 sin 37° जे कैप। कॉस 37° कितना होगा वो आपको चार्ट से देखना पड़ेगा, कॉस 37° हो जाएगा आपका 4/5, तो क्या हो जाएगा, 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 4 i कैप प्लस साइन 37° ये होगा 3/5, तो ये 3 j कैप आएगा, क्योंकि 3/5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो ये आप चार्ट में देख के आप खुद कर सकते हैं, 4 i कैप प्लस 3 j कैप मेरा सही आ रहा है। F2 निकालेंगे, तो F2 कैसे निकलेगा, देखिए F2 का ये x के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 डिग्री पॉजिटिव, और y की तरफ क्या नेगेटिव होगा, तो इसका ख्याल रखना है आपको, तो 10√2 cos 45° i कैप, उसके बाद y वाला नेगेटिव होगा, तो -10√2 sin 45° j कैप, ठीक है। और cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, √2 कैंसिल, क्या हो जाएगा, 10 i कैप -10 j कैप, तो आपका f नेट क्या निकल के आएगा, F नेट निकल के आएगा, दोनों को जोड़ देंगे, F1 + F2, 4 i कैप + 10 j कैप कितना, 14 i कैप + 3 i कैप - 10 j कैप कितना होगा, -7 j कैप। तो हमारा जो नेट फोर्स आया वो किधर आया, x वाला पॉजिटिव आया और y वाला नेगेटिव आया, y की तरफ कितना आया हमारा 7 और x की तरफ कितना आया 14, ठीक है। और इसका नेट कहीं इधर होगा, ये एंगल कुछ थीटा बना रहा है मान लेते हैं, ये 7 है तो ये भी कितना है 7 है, तो एफ नेट हमारा 14 i कैप - 7 j कैप, तो इसका अगर हम क्या निकालें, मैग्नीट्यूड निकालें, तो ये हो जाएगा 14² + 7² का स्क्वायर रूट। इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है, 7² यहाँ पे भी है, 7² क्या ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, 7 × 14 = 2² + 1 कितना हो जाए 7 × 7√5, आई थिंक ऐसा होगा, बिल्कुल सही है, 7√7√5 न्यूटन हमारा आया। और टेन थीटा निकालेंगे तो उसे डायरेक्शन पता चल जाएगा, तो हमारा टेन थीटा कितना हो जाएगा, दिख रहा है 7/14, तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक बटे दो लिख सकते हैं, थीटा बराबर टेन इनवर्स 1/2, ठीक है। और चूंकि हमें इसका कोई स्टैंडर्ड एंगल कुछ पता नहीं है, तो इसका वैल्यू नहीं पता होगा, जस्ट टेन इनवर्स 1/2 लिख के छोड़ देंगे, उम्मीद है समझ आया होगा, नोट डाउन करें इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब में फोर्स ही लगा देते हैं, क्या है समझ ज्यादा आएगा। और ये हमारा 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है जो नेगेटिव एक्स एक्सिस से 37 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरा 5√2 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है। इसको F1 मान लेते हैं और इसको F2 मान लेते हैं, ये आपकी मर्जी, आप क्या माने, मैंने ऐसा माना। तो F1 को अगर क्या करें हम लोग, रिजॉल्व करें, तो इसका x वाला कंपोनेंट पॉजिटिव आएगा और y वाला भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो देख सकते हैं आप खुद, 5√2 cos 45 डिग्री आई कैप, आप खुद भी बना सकते हैं पॉज करके, ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि आप मेरा कॉपी करें, फिर उसके बाद मैच करें कि आप जो बनाए वो तरीका कितना कंफर्टेबल है, मेरा कितना कंफर्टेबल है, दोनों को मैच कर सकते हैं। वैसे रिजल्ट आपका भी सेम ही आएगा अगर ठीक बनाइएगा तो, प्लस 5√2 साइन 45 डिग्री जे कैप, तो आप रूट दो जाएंगे तो कॉस में 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 5 आई कैप प्लस 5 जे कैप, ठीक है। 45 डिग्री में देख रहे हैं 5√2 5 आ रहा है, तो ऐसा खुद भी पैटर्न नजर आएगा आपको बाद में। अब ये 37 बन रहा है, x वाला नेगेटिव y वाला पॉजिटिव, तो बताइए 10 cos 37 डिग्री i कैप नेगेटिव प्लस 10 sin 37 डिग्री j कैप, ये पॉजिटिव हो जाएगा। cos 37 डिग्री कितना हो जाएगा 4/5, तो ये आएगा -8 i कैप प्लस, और ये कितना आएगा 6 j कैप, आपको रिजल्ट याद हो जाएगा धीरे-धीरे, देखिएगा -8 i कैप प्लस कितना आ गया हमारा -8 i कैप, बिल्कुल आना चाहिए 10 वाला किधर चला गया, ठीक है देख लेते हैं मिला के। एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा हमारा F1 प्लस F2 दैट इज 5/8 -3 आई कैप, 5 और 6 कितना हो गया 11 जे कैप, ये हमारा क्या आ गया 3 और 11, बिल्कुल सही आ रहा है। अब क्या हो जाएगा बताइए, बिल्कुल सिंपल है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एफ नेट को ये बताइए कि एक्स वाला नेगेटिव आ रहा है और वाई वाला पॉजिटिव आ रहा है, दैट मीन्स कहाँ पे होगा, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट, सही कह रहा हूँ, x नेगेटिव y पॉजिटिव नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, ये हमारा हो जाएगा x वाला हो गया 3, x कितना हो गया 3 और y कितना हो गया, y हो गया हमारा 11, और ये हमारा रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट यहाँ कहीं जाएगा जो x के साथ मान लेते हैं थीटा एंगल बना रहा है, ये 11 तो ये भी क्या होगा 11, तो एफ नेट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आप खुद निकाल सकते हैं, -3 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 + 121, तो 130 का स्क्वायर रूट, 130 का स्क्वायर रूट आ गया हमारा न्यूटन, और इसका टेन थीटा कितना निकल के आएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस 11/3 या थीटा बराबर टेन इनवर्स 11/3, ठीक है। अब क्वेश्चन खुद भी क्रिएट कर सकते हैं आप, मेरी बात समझ आ रही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, आप इसे नोट डाउन करें। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और एक लग रहा है हमारा 20 न्यूटन का फोर्स जो वाई एक्सिस के साथ 37 डिग्री एंगल बना रहा है, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं, ये 53 डिग्री एंगल बनाएगा, तो इसको रिजॉल्व करें। इसको F1 मान लेते, इसको F2 मान ले आपकी मर्जी, मैं इसको F1 मान लेता हूँ, इसको F2 मान लेता हूँ, बताइए F1 कितना हो जाएगा, F1 हो जाएगा हमारा 10 और नेगेटिव y में, तो -10 j कैप, क्या लिख सकते हैं 10 i कैप, सॉरी 0 i कैप -10 j कैप, और F2 क्या हो गया हमारा, F2 को रिजॉल्व कर लेंगे तो ये 20 cos 53 डिग्री i कैप नेगेटिव में प्लस 20 साइन 53 डिग्री जे कैप, कॉस 53 डिग्री कितना हो जाएगा हमारा, कॉस 37 होता है 3/5, 5 × 20 12 -12 आई कैप आना चाहिए, -12 आई कैप, और ये होगा 16 जे कैप, निकाल के देख लीजिएगा।
अब हम एफ नेट निकालेंगे, तो एफ नेट क्या होगा, जीरो आई कैप माइनस बारह आई कैप, तो माइनस बारह आई कैप माइनस दस प्लस सोलह प्लस सिक्स जे कैप, तो आई के तरफ कितना हो गया हमारा, आई के तरफ हो गया बारह निगेटिव में, ये हो गया हमारा ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये हो गया सिक्स और ये कितना हो गया बारह, इसका हमारा रिजल्टेंट नहीं इधर आएगा, ये एंगल थीटा बनाएगा, ये सिक्स तो ये भी सिक्स होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा खुद भी निकाल सकते हैं, बारह स्क्वायर प्लस सिक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिक्स स्क्वायर का सिक्स बार हो जाएगा, सिक्स रूट फाइव, सिक्स रूट फाइव आएगा, खुद कर सकते हैं इसको न्यूटन, ठीक है। और टेन थीटा क्या निकल गया है हमारा, छः बटे बारह या एक बटे दो, थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स एक बटे दो। इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन क्रिएट करें बनाए खुद भी, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन और करा दे रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए, क्या क्वेश्चन है। दस न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये 37 डिग्री एंगल बना रहा है, इसको एफ वन मान लेते हैं और ठीक है, और ये 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और ये पांच रूट दो न्यूटन लग रहा है फोर्स, ठीक है, कितना डिग्री 45 डिग्री, इसको हम क्या मान लिए एफ टू। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप भी। क्या करेंगे इसमें, इसको भी रिजॉल्व करेंगे, एफ वन को भी रिजॉल्व करें, तो एफ वन को अगर रिजॉल्व करें तो आप खुद देखिए एक्स वाला पॉजिटिव आ रहा है और वाई वाला निगेटिव आएगा, तो 10 ये जो 10 है कॉस 37 डिग्री, 10 कॉस 37 डिग्री आई कैप, और वाई वाला निगेटिव, तो माइनस 10 साइन 37 डिग्री जे कैप, कॉस 37 चार बटे पाँच, ये हो जाएगा हमारा 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप। एफ टू को देखिए, एफ टू में एक्स निगेटिव आएगा वाई पॉजिटिव आएगा, पाँच रूट दो कॉस 45 डिग्री आई कैप माइनस, और ये प्लस पाँच रूट दो साइन 45 डिग्री जे कैप, तो वन बटे रूट टू कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाँच आई कैप प्लस पाँच जे कैप, बैक नेट हमारा सिंपल सा निकल जाएगा आई वाला आई के साथ, आठ और पाँच तीन आई कैप, उसके माइनस सिक्स प्लस फाइव माइनस जे कैप, तो एक्स वाला पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x 3 और y कितना 1, तो इसका हमारा रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा, एंगल थीटा बनाएगा, तो हमारा f नेट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, 9 10 10 का स्क्वायर रूट, तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा ये 1, तो 1 बटे 3 या थीटा tan इनवर्स 1 बटे 3, ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया, तो सही है रूट 5 और tan इनवर्स 1 ओवर 3, ठीक है। इसका नोट डाउन करें, ये बात हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, जो हम लोग पढ़ रहे हैं वही, लेकिन इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन तो है ये, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल लॉ। वेक्टर एडिशन कौन सा लॉ, ट्रायंगल लॉ, या कहीं के लिखा हुआ रहता है पैरेललोग्राम लॉ। तो बेसिकली यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको थोड़ा डिफरेंट तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। मानते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर है, और जो ए वेक्टर है वो एक्स के तरफ है, तो ए इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मान लेते हैं मैग्नीट्यूड इसका क्या है ए, हमारी मर्जी है, और ये आई कैप किधर है, ये वेक्टर है, ए वेक्टर है ना, जो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में है, मान लेते हैं। और दूसरा क्या है ना हमारे पास बी वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है ना, और ए वेक्टर में क्या हो गया, ए वेक्टर हमारी खासियत यह है कि ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो स्मॉल है, और बी वेक्टर है, बी वेक्टर जो है वो है हमारे पास, और ये बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है बताइए, बी स्मॉल बी। तो इसको कैसे क्या करेंगे, और ये मानते हैं कि एंगल जो बना रहा है एक्स के साथ वो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, दैट इज ये हमारा है बी,
ये हमारा बी है, दैट इज बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है। और एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो आप खुद बताइए ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा। सिंपल सी बात हो गई, ए वेक्टर और बी वेक्टर अलग अलग वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है और बी वेक्टर एक्स और वाई दोनों में नहीं है, लेकिन उसको रिजॉल्व हम कर दिए, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो बी वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं आप खुद बताइए, क्या हो जाएगा बताइए, बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, हमने रिजॉल्व करना सीख लिया है। तो अगर हमको ऐड करना है, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ना है, इसको सी वेक्टर मान लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ए आई कैप और बी कॉस थीटा आई कैप, आई वाला आई के साथ जुटेगा और जे वाला जे के साथ जुटेगा, और जे वाला कोई कंपोनेंट है नहीं ए के साथ, तो ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप, ए प्लस बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप, ठीक है। तो इतनी बात है, तो हमारा क्या निकल गया, ए प्लस बी। अब इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालें, क्या निकालें, मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा बताइए, दैट इज ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो एडिशन है उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, उसका क्या होगा, स्क्वायर रूट। अब ए प्लस बी कॉस थीटा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। अब बताइए बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, ये वाला पहले मैं काम कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा प्लस ये वाला लेते हैं टू ए बी कॉस थीटा, उसका स्क्वायर रूट। ये कितना हो गया, वन हो गया, तो हमारा रिजल्ट निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। तो सिंपल सा रिजल्ट हमारा निकल के आ गया, आपको ये बात समझ आ गई होगी, ये हमारा क्या निकल के आया, इसका मैग्नीट्यूड निकल के आया, जो हमारे पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर एक्स के डायरेक्शन में था और एक दूसरा एक्स और वाई के तरफ नहीं था, लेकिन एक्स के एक्स से कितना एंगल बना, थीटा, दोनों को जोड़े तो कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर रूट। सारी चीजें वही है बट जनरलाइज कर लें। अब क्या है ना कि हमारा जो सी वेक्टर आया, वो सी वेक्टर दैट इज उसमें जो हमारा कंपोनेंट्स है वो ए प्लस बी कॉस थीटा आई के तरफ है एक्स के तरफ, और जे के तरफ कितना मतलब वाई के तरफ बी साइन थीटा है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, इधर हमारा क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा और इधर क्या है हमारा बी साइन थीटा। तो इसको अगर क्या करें ऐसे बना लें, तो ये मान लेते हैं रिजल्टेंट है ये सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग ये बी साइन थीटा, तो ये भी क्या होगा बी साइन थीटा, तो टेन अल्फा जो होगा वो क्या होगा बी साइन थीटा, दैट इज पी बटे बी ओवर ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये सिंपल सा रिजल्ट आ गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं, वो अल्फा से डायरेक्शन याद रहे कि थीटा अलग है वो अल्फा है, ये क्या है ए और बी का रिजल्टेंट जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो अल्फा है, और ये बी वेक्टर एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रहा है वो थीटा है, ठीक है। दैट इज एक्स के साथ मतलब क्या के ए वेक्टर के साथ, क्योंकि ए वेक्टर एक्स के तरफ है, मेरी बात समझ आ रही है। तो ये थीटा क्या ए और बी के बीच का एंगल, और ये अल्फा क्या है रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल, दोनों अलग अलग एंगल्स हैं। आप ठीक से सोचें, मैं 10 सेकंड दे रहा हूं, नोट डाउन करें इसको, ठीक है। तुम लोगों ने क्या जाना कि दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो जो सी वेक्टर होगा वो ए के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, तो ये सारा रिजल्ट निकल गया है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है और ए और रिजल्टेंट के बीच का एंगल अल्फा है। तो ये सिंपल सी बात थी, आपको उम्मीद है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। देख सकते हैं कैसे इसका इस्तेमाल होगा, मान लेते हैं कि 3 न्यूटन फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में और 2 न्यूटन लग रहा है जो एक्स के साथ कितना 60 डिग्री बना रहा है, या दो फोर्सेस हैं 3 न्यूटन दोनों दोनों के बीच में 60 डिग्री,
तो आप तो रिजोल्व करके कर ही सकते हैं, लेकिन हमारे पास जो फॉर्मूला आया हुआ एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर या 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कॉस कितना डिग्री, 60 डिग्री, उसका स्क्वायर रूट, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 होता है, 9 प्लस 4 प्लस 3 दोनों 6 9 4 13 6 कितना स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 19। इसका अगर आपको क्या निकालना है रिजल्टेंट का, अगर तो रिजल्टेंट मान लेते इधर कहीं है तो रिजल्टेंट के साथ एंगल कितना बना रहा है अल्फा, तो अभी बनाया हम लोग टेन अल्फा क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, तो बी क्या है हमारा जिसके साथ एंगल बना रहा है वो ए है और वो है बी, बी दैट इज 2 साइन कितना डिग्री 60 डिग्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी, बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा, तो ए दैट इज 3 प्लस 2 cos 60 डिग्री, तो इसको आप पुट कीजिएगा रिजल्ट आपका निकल के आ जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन ठीक है। अब इसका नाम ट्रायंगल लॉ क्यों पड़ा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, आज का लेक्चर यहीं पर रहेगा। वैसे ट्रायंगल लॉ क्यों नाम पड़ा इसका, तो नाम इसीलिए पड़ा कि अगर हम इसको ऐसे बनाएं दैट इज ए वेक्टर, याद रहे कि ए और बी के बीच का एंगल जो थीटा होता है दोनों को इनिशियल करना जरूरी, इनिशियल मतलब दोनों का जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा सेम होगा, ऐसा ना समझें कि ये ठीक है बता दे रहे हैं ये वेक्टर हमारा ए है और ये वेक्टर हमारा बी, ये ए वेक्टर है और ये क्या है बी वेक्टर है ठीक है। अब ये दोनों के बीच एंगल ये वाला नहीं है एक्चुअली, ये बी वेक्टर को यहाँ लेके आना पड़ेगा या इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा दैट इज ये वाला ठीक है, इसका आप ख्याल रखें, ये दोनों को इनिशियल हो गया इसको उठा के यहाँ लेके आ सकते हैं ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है, यहाँ पे दोनों के बीच एंगल कितना है थीटा है ठीक है, तो वहाँ पे भी बी हमारा हो जाएगा अगर उसको लेके जाएंगे शिफ्ट करेंगे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, अगर चाहे तो लेके जा सकते हैं, लेकिन बेसिकली ए और बी के बीच एंगल कितना है थीटा है ठीक है। अब ये वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं है एक्चुअली, ए इसका मैग्नीट्यूड है ये है ए वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड बी है, और ये कौन सा वेक्टर है बी वेक्टर अभी जो हम लोगों ने पढ़ा। अब क्या है ना कि ए है और ये बी है, इस बी को अगर यहाँ लेके आ जाए तो क्या होगा, इसको डायरेक्टली अगर यहाँ मिलाएंगे ये क्या हो जाएगा ए है और ये बी वेक्टर है, इसको अगर ऐसे देखें ए वेक्टर और बी वेक्टर यहाँ खत्म हुआ यहाँ से शुरू हो गया यहाँ खत्म हुआ, तो इनिशियल से फाइनल डायरेक्ट जो मिलाएंगे वही उसका क्या होगा वेक्टर एडिशन होगा, ये हमारा क्या होगा रिजल्टेंट होगा, इसको हम लोगों ने सी वेक्टर माना था या रिजल्टेंट माना था, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड सी ले लेते हैं और यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये बी है तो ये भी क्या है बी है और ये थीटा है तो ये भी एंगल कितना बताइए, इसको आप अच्छे से नोट डाउन करें, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, कैसे होगा बताइए, ये वाला ये थीटा है तो ये भी थीटा है जानते ही आप, ये अगर बी है तो ये क्या होगा पता है ये बी कॉस थीटा और ये क्या होगा बी साइन थीटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा सिंपल सी बात है। तो रिजल्टेंट जो निकलेगा हमारा ये सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा दैट इज ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकलेगा, ये बेसिकली क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, देखिए इसको तो ये कितना हो जाएगा ए और ये बी कॉस थीटा दैट इज ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस ये क्या है बी साइन थीटा का स्क्वायर, उसका क्या होगा स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा वही बात होगी, और ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है ए के साथ अल्फा, तो क्या हो जाएगा बताइए टेन अल्फा हो जाएगा बी साइन थीटा ये परपेंडिकुलर और ये क्या बेस डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, तो इसीलिए जो ये ट्रायंगल बना के हम लोगों ने किया इसका नाम क्या पड़ गया ट्रायंगल लॉ, कौन सा लॉ, और चूंकि ये देखिए पैरल सिंपल सी बात है ये ट्रायंगल है ये वाली बात, और ये चूंकि पैरेललोग्राम बना है तो ये कौन सा लॉ है पैरेललोग्राम लॉ भी है, क्या क्या लॉ हो गया बताइए ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में हम लोग ये तो पैरेललोग्राम लॉ हो गया एक्चुअली, ये कौन सा लॉ हो गया पैरेललोग्राम लॉ ठीक है, लेकिन अगर हमको ट्रायंगल लॉ की बात करनी पड़े तो ऐसे करेंगे इसको क्या करेंगे दैट इज सी वेक्टर जो होगा वो होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे ये ए वेक्टर और ये कौन सा वेक्टर है बताइए बी वेक्टर, तो इसको ऐसे मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये कौन सा लॉ हो गया हमारा ट्रायंगल लॉ, तो कौन सा लॉ पैरेललोग्राम लॉ और ये कौन सा लॉ हो गया ट्रायंगल लॉ, सारी बातें एक ही हैं ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और एंगल निकालने से हमें क्या पता चलता है डायरेक्शन का पता चलता है ठीक है, तो ये मैग्नीट्यूड बताएगा और टेन अल्फा क्या बताएगा डायरेक्शन बताएगा, सिंपल सिंपल बात है, आप नोट डाउन कर लें जल्दी जल्दी। ठीक है इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना आइए तक इसके बाद हम लोग क्या करेंगे इससे रिलेटेड कुछ बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, फिर मैं कहूंगा
क्या होता है ना कि कोई भी काम आप जब करते हैं तो अगर अप्रिसिएशन मिलता है तो बहुत अच्छे से करने का मन करता है। ठीक है, ये मैं बार बार कहूंगा, आप जितना अप्रिशिएट करेंगे उतना हम लोग ज़्यादा अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और एक बात कि ऐसा हो सकता है कि हम लोग कहीं गलती कर रहे हैं, कहीं इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जैसे हमें ऑडियो क्वालिटी हमारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती है, हम लोग माइक का इंतजाम करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कॉन्टेंट में, अगर पढ़ाई में अगर लगता है कहीं क्वालिटी की ज़रूरत है, क्वान्टिटी बढ़ाना है, क्वालिटी चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताएँ, और अगर पसंद आए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हो सके तो बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, आपको पसंद नहीं आ सकता है तो कमेंट सेक्शन में आप अच्छे से लिख दें कि ऐसा ऐसा आप कर सकते हैं, तो हम लोग उसको इम्प्रूव करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।